चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेसन। इसका टॉपिक होगा क्रिएटिंग अ विंडो। इससे पहले वाले लेसन में हमने देखा था कि किस तरह से हम अपने मॉडल को ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉकिंग करने के बाद आपके लिए आसानी हो जाती है मॉडल को ट्वीक करने में या उसको फाइनलाइज करने में। एटलीस्ट आपको ये पता चल जाता है कि आपका जो मॉडल है वो उसका प्रोपोर्शन या उसका स्केल क्या होगा, जो हमने पहले भी बात की थी प्रोपोर्शन के हवाले से। कुछ भी बनाने से पहले या कुछ भी मॉडल करने से पहले आपको जस्ट ये देखना पड़ता है कि जो शेप आप मॉडल करना चाह रहे हैं उसका सिमिलर पॉलीगॉन प्रिमिटिव कौन सा हो सकता है। ठीक है, हमने ब्लॉकिंग में यही किया था कि जो सिमिलर पॉलीगॉन प्रिमिटिव थे हमने उनको प्लेस कर दिया था रेफरेंस इमेज को देखते हुए। अब हम वही पॉलीगॉन प्रिमिटिव ले लेंगे, ठीक है, जो हमने ब्लॉकिंग में उसको प्लेस किया था, और उसी के ऊपर डिटेलिंग और स्केलिंग वगैरह करके हम अपनी विंडो को क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने से पहले या उसको मॉडल करने से पहले आपको उस ऑब्जेक्ट को समझना जरूरी है कि उसके शेप डायनेमिक्स क्या है। मिसाल के तौर पर ये जो विंडो हमारे पास हमने लेआउट में रखी हुई है और जो विंडो रेफरेंस इमेज के अंदर है, इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो इनके इन बिटवीन शेप्स का, यानी कि जो विंडो एक्चुअल है रेफरेंस में उसमें शेप मॉडिफिकेशन हुई हुई है जो कि हम अपने पॉलीगॉन प्रिमिटिव में ऐड करेंगे, जिसको मॉडलिंग कहते हैं बेसिकली। सबसे पहले तो ये है कि मैं मॉडलिंग के बारे में आपको बताता चलूं कि मॉडलिंग टेक्निक है जो कि ऑब्जर्वेशन से भी आती है और यूज कर करके भी आप उसमें एक्सपर्टीज हासिल करते हैं। तो आपने जस्ट ये देखना होता है कि आपका जो पॉलीगॉन प्रिमिटिव है उसके अंदर या आपकी जो सोर्स इमेज है उसके अंदर कितने पॉलीगॉन्स हो सकते हैं। तो समझाने के लिए मैं आपको ड्रॉ करके यहाँ बताता हूँ कि हम किस तरह से देखते हैं अपने मॉडल को। ठीक है, अगर मेरा पॉलीगॉन होता सेम तो मैं इसके अंदर किस तरह से डिविजन्स करूंगा। सबसे पहला डिविजन मेरा ये आ गया एक, ठीक है, जो मुझे यहाँ पे एक स्लाइस ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो दो फेसेस आप देख रहे हैं जो कि अंदर की तरफ को मूव हुए हुए हैं, जिसको हम एक्सट्रूड से निकालेंगे, ये हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारा एक बेसिक शेप एटलीस्ट तैयार हो जाएगा। तो हम करेंगे ये, मॉडलिंग टूलकिट से जाके कॉर्ड ड्रॉ पे जाएंगे और कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे तो हमारा एज लूप टूल एक्टिवेट हो जाएगा। क्लिक कर देंगे, ठीक है, और आपके पास आपकी जो पॉलीगॉन प्रिमिटिव है वो दो पीसेस में डिवाइड हो चुकी है। ठीक है, हमने एक जस्ट एक लूप ऐड किया है। उसके बाद हम इन दो फेसेस को सेलेक्ट करेंगे और देन एक्सट्रूड कर लेंगे। ठीक है, एक्सट्रूड करते हुए की फेस टुगेदर ऑफ कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम वर्टेक्स मोड पे जाएंगे और देखेंगे कि हम कहाँ पर मैनुअली ट्वीक करके शेप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन अगेन हम एक्सट्रूड करेंगे इस फेस को और इस फेस को, क्योंकि हमें इसकी डेप्थ क्रिएट करनी है। एक्सट्रूड, थोड़ा सा इसको मूव कर लेंगे, ट्रांसलेट कर लेंगे थोड़ा अंदर की तरफ ताकि वो विंडो का एक पार्ट हमें क्लियर हो जाए। ठीक है, ऑब्जेक्ट मोड पर आ जाएं, आपके पास एक बेसिक विंडो का शेप तैयार है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद विंडो का अगर आप देखें बॉटम वाला जो पार्ट है जो कि थोड़ा सा बाहर यूजुअली निकला हुआ होता है, उसके लिए करेंगे ये कि ये नीचे वाला एक फेस ले लेंगे, राइट क्लिक होल्ड रखें, फेस पर आ जाएं, सेलेक्ट करें एक्सट्रूड, इसको आप एक्सट्रूड कर लें। ठीक है, एक्सट्रूड कर लिया आपने, देन हम अगर देखेंगे रेफरेंस इमेज के अंदर तो ये साइड से थोड़ा ज्यादा बाहर निकला हुआ है, तो हम इन दोनों फेसेस को सेलेक्ट कर लेंगे जो कि साइड्स के फेसेस हैं, अगेन एक्सट्रूड, और इनको हम एक्सट्रूड कर लेंगे। ठीक है, हमने इनको एक्सट्रूड कर लिया। उसके बाद ये तीनों फ्रंट के जो फेसेस हैं इनको अगेन हम एक्सट्रूड कर लेंगे ताकि वो एक जो फील आती है विंडो के नीचे वाला जो पार्ट होता है जो कि थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है वो चीज़ आ जाए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये आपकी एक विंडो का बेसिक शेप तैयार है। इसका एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम जस्ट एक पॉलीगॉन प्रिमिटिव ले लेंगे, क्यूब क्रिएट कर लेते हैं, क्यूब को हम स्केल कर लेते हैं और उसको प्लेस कर लेंगे अपने ऑब्जेक्ट के साथ ताकि हमें
उस ऑब्जेक्ट के साथ प्रोपोर्शन का सही आइडिया रहे। ठीक है, हमने इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया। अब क्या कर सकते हैं हम कि इस क्यूब को, हमने पढ़ा था बेवल्स के बारे में, हम इसको बेवल कर लेंगे। इसके सेगमेंट्स ऐड कर लें आप, सेगमेंट्स 3 बहुत होते हैं, 3 सेगमेंट्स बहुत होते हैं। इसकी स्पीड स्लो कर लें फ्रैक्शन की। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस तरह से एक पॉलीगॉन सेपरेटली बना के इसके नीचे ऐड कर दें। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 तरीके हैं। पहला तरीका सिंगल मैश है, यानी कि सिंगल ज्योमेट्री आपने जस्ट एक्सट्रूड कर करके उसको बना दिया। ठीक है, सेकंड जो मेथड है उसमें हमने विंडो अलग रखी है और उसका जो बॉटम वाला पार्ट है वो हमने अलग रखा है। ये 2 अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, विंडो का हमने बेसिक शेप बना दिया, लेकिन अगर आपको लगता है कि विंडो का अपर पार्ट थोड़ा ज्यादा बड़ा है लोअर पार्ट से, तो हम इसको मजीद नीचे कर सकते हैं ताकि वो एक फील आ जाए अपर और लोअर पार्ट की। मैं ये प्रेफर करूंगा कि मैं विंडो के अपर और लोअर को सेपरेट रखूंगा ताकि मुझे इसकी टेक्सचरिंग में या यूवी इसमें, जो कि हम फर्दर आगे प्रोसेसेस देखेंगे, उसमें हमें इतना प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो मैंने इसको प्लेस कर दिया अपने मॉडल के ऊपर। मैंने लेयर में सारी चीजें रखी, हाइट कर दी थी ताकि मुझे बार बार अपने मॉडल को हाइड अन हाइड ना करना पड़े। अभी हमने जो विंडो बनाई है ये मुझे कंपैरेटिवली दूसरी चीजों से थोड़ी बड़ी लग रही है, तो हम इसके मजीद प्रोपोर्शंस आगे देख सकते हैं। हमारे पास अभी भी मार्जिन है इसके प्रोपोर्शंस देखने का। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है बॉटम वाला, ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था, हमने उसको एडजस्ट कर लिया और बॉटम वाले पार्ट को अगेन एडजस्ट कर लेंगे, पर्सपेक्टिव में आ जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से हम अपनी ऊपर की जो विंडो है वो हम बना लेंगे। फ्रंट की जो विंडो है ये थोड़ी छोटी विंडो है, इसको स्केल डाउन कर लें। फ्लोर प्रेस करके देखते रहें बार बार। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी विंडो जो है वो प्रॉपर शेप में आ चुकी है या आपको उसका शेप चेंज नहीं करना, तो उसके बाद का जो स्टेप है वो मैं बता देता हूँ कि हम विंडो के बॉर्डर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और उनको हम बेवल कर लेते हैं। मॉडलिंग टूलकिट, बेवल्स। ठीक है, बेवल करने से आप देखेंगे कि आपकी जो विंडो है उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक शेप ऐड हो गया है जो कि डिफॉल्ट वैल्यूज के ऊपर है। अगर मैं इसकी वैल्यू कम करके इसके अंदर सेगमेंट ऐड कर दूं, तो ये ऑटोमेटिकली कॉर्नर्स जो हैं इसके राउंड हो जाएंगे। इसी तरह से आप इसके सेलेक्शन लेते वक्त आप इसके ये साइड वाले कॉर्नर्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसकी जरूरत नहीं है वैसे। ये वाले अंदर के जो एज लूप्स हैं ये भी आप सेलेक्ट करके बेवल्स कर सकते हैं, बट अभी हम इसको नहीं करेंगे बेवल। मैंने जस्ट आपको एक समझाने के लिए बात बताई है। इसी तरह से जो मेरी ये वाली विंडो है हम इसको भी देख लेते हैं। इसके लिए हम रीड करते हैं कि हमारे पास इसके अंदर 2 डिफरेंट डिविजन्स होने चाहिए। तो उसका तरीका ये है कि मैं क्वाड ड्रॉ से सबसे पहले तो इसके अंदर 2 डिविजन्स ऐड करता हूँ, फिर मैं इसके 2 फेसेस सेलेक्ट करके इसको मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ। कीप फेस टुगेदर ऑफ, उसके बाद एक्सट्रूड कर लें यहां से या हम इसको ऑफसेट कर लेंगे। देन अगेन इसको एक्सट्रूड कर लें और थोड़ा सा अंदर की तरफ को पुश कर दें ताकि वो जो डेप्थ वाला पार्ट है, यानी कि जो ग्लासेस लगे हुए हैं,
वो आपको फील हो जाए। ये बेसिक स्टेप्स होते हैं एक्सट्रूजन के। आपको जस्ट अपने ऑब्जेक्ट को रीड करना होता है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे एक्सट्रूजन डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो ये एक मैंने आपको बहुत ही बेसिक विंडो क्रिएशन बताई है, और हम इसको आगे अपने दूसरे लेक्चर्स में रिफाइन करेंगे। इसके बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि अपने डोर को हम किस तरह से मॉडल कर सकते हैं, और हाउस का जो एक्सटीरियर है उसको किस तरह से रिफाइन किया जा सकता है।